फलोदी से करीब 30 किलोमीटर दूर खारा गांव के निकट शुक्रवार दोपहर को रामदेवरा दर्शन के लिए जा रही श्रद्धालु से भरी पिकअप गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद मौके पर शोर शराबे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को गाड़ी से बाहर निकालकर इलाज के लिए फलोदी जिला अस्पताल भिजवाया। वहीं बीच रास्ते में दो बच्चों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि सभी लोग लोहावट क्षेत्र के रूपाड़ा जैतारा गांव के रहने वाले हैं। इस तरह की जानकारी मिलने पर फलोदी के प्रशासनिक अधिकारी व कांग्रेस नेता महेश व्यास तुरंत प्रकार से जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल चाल जानकर अस्पताल प्रशासन आवश्यक निर्देश दिए। आपको बता दें कि हादसे में गंभीर रूप से 17 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है। इस हादसे में दो बच्चों की दुखद मौत पर गांव में शोक की लहर छा गई। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।